नमस्ते बच्चों, हमने पार्ट 3 विज्ञान के चमत्कार पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हम उसके करेंगे शब्दार्थ। ठीक है, पार्ट 3 विज्ञान के चमत्कार। ठीक है, इस तरीके से आपको अपनी कॉपी में लिखना है और मेरे साथ साथ लिखना है आपको। ठीक है, सुंदर सुंदर राइटिंग में। ठीक है, इसमें दिया है प्रश्न 1 में शब्दार्थ लिखा हुआ है और इस तरीके से आपको 2 कॉलम बनाने हैं शब्द और अर्थ के। ठीक है, इसमें दिया है अनगिनत। अनगिनत का अर्थ होता है जिसे गिना ना जा सके, जिसे गिना ना जा सके। दूरगामी, लंबी दूरी तक जाने वाला, लंबी दूरी तक जाने वाला। द्रुत गति, तेज गति, कामकाजी, काम करने वाला, क्षति, हानि, मुश्किल, कठिन, आवश्यकता, जरूरत, आविष्कार, निर्माण, आरामदायक, सुविधाजनक, जीवन शैली, रहन सहन, विस्तृत, बड़ा, अत्याधुनिक, जटिल, माध्यम, साधन, संसार, दुनिया, स्थान, जगह, कार्य, काम, सहजता, आसानी। ठीक है बेटा, ये है आपके शब्दार्थ। अब हम इसका प्रश्न उत्तर भी साथ में ही करेंगे। ठीक है, अगले पेज पर आपको इस तरीके से कॉपी पर लिखना है किस तरीके से पार्ट 3 विज्ञान के चमत्कार और ये प्रश्न उतारना है। निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ है प्रश्न क में आवश्यकताओं के लिए नए नए आविष्कार किसकी देन है, तो इसका उत्तर क्या होगा, आवश्यकताओं के लिए नए नए आविष्कार विज्ञान की देन है। ठीक है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे, आवश्यकताओं के लिए नए नए आविष्कार विज्ञान की देन है। प्रश्न ख, मनुष्य का जीवन पहले से अधिक आरामदायक क्यों हो गया है, क्यों हो गया है, इसका उत्तर है विज्ञान के अनगिनत आविष्कारों के कारण
कारण मनुष्य का जीवन जीवन पहले से अधिक आरामदायक हो गया है। किसके कारण? विज्ञान के जो आविष्कार हुए नए नए उसके कारण। ठीक है, प्रश्न ग। प्रश्न ग में दिया हुआ है, आज रेलों का नया चमत्कार कौन सा है? आज रेलों का नया चमत्कार बुलेट ट्रेन है। आज रेलों का नया चमत्कार बुलेट ट्रेन है। ठीक है बेटा। प्रश्न घ, दूर की घटनाओं को हम घर बैठे कैसे देख पाते हैं? तो इसका उत्तर है, दूर की घटनाओं को हम घर बैठे टेलीविज़न पर देख पाते हैं। ठीक है। प्रश्न ड, विज्ञान के आविष्कारों के दो पक्ष कौन कौन से हैं? विज्ञान के आविष्कारों के दो पक्ष लाभ और हानि हैं। ठीक है बेटा। इस तरीके से आपको प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में करने हैं। पहले आपको शब्दार्थ करने हैं इस तरीके से, ठीक है, फिर आपको प्रश्न उत्तर करने हैं आपको अपनी कॉपी में, और सुंदर सुंदर राइटिंग में करना है। ठीक है।